छत्तीसगढ़ी सर्वनाम। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमने देखा था संज्ञा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इन्हीं व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में भी सर्वनाम के 6 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं ये भेद एक बार देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आखिरी है छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। हम जो है सभी प्रकार को जो है डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता तथा अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए, हिंदी भाषा में हम जो भी कहते हैं उसमें 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन होता है? वक्ता अथवा श्रोता, मतलब कि बात को कहने वाला। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, श्रोता, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही हो। तो इन्हीं वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम व्यक्तिवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। हम इसको देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो कि वक्ता अथवा लेखक होता है, मतलब कि जो भी बात को कहता है। अगर देखा जाए तो अभी मैं जो भी कह रहा हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। मैं वक्ता हूं मतलब कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को जो है प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, जो वक्ता होता है, लेखक होता है, जो बोलने वाला होता है। तो देखते हैं इसके लिए सर्वनाम किन-किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी में तो मैं, मेरा, मुझे, इन सब का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष के लिए। हम देखते हैं एक वचन में, छत्तीसगढ़ी में देखेंगे अब, तो मैं का क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में? मैं, जो मैं शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? मैं, जैसे अभी मैं कह रहा हूं। तो उसके बाद है मोर, मतलब कि मेरा, मेरा ऐसा विचार है, इस टाइप से अगर मैं बोलूं मोर ऐसा विचार है। उसके बाद मोला मतलब कि मुझे। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो मो शब्द है वो मैं का विकारी है, मतलब कि मैं का विकारी शब्द है मो, और मो से ही बना है मोला। तो ये जो है एक वचन के लिए प्रयोग होगा, ये सभी शब्द याद रखेंगे, मैं, मोर, मो, मोला। जो भी वक्ता है, जो वक्ता लेखक जो भी बात को कह रहा है, अगर वो एक वचन में है तो उसके लिए ये सब प्रयोग होगा। वही अगर वक्ता अथवा लेखक बहुवचन में है तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? हमन अथवा हमर, याद रखेंगे। तो ये क्या था? उत्तम पुरुष। उसके बाद अगला हम देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसको कि द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन आता है? श्रोता। देखिए, वक्ता अथवा लेखक जिससे बात कहता है वो जो सुनने वाला होता है वो कौन होता है? श्रोता। जो भी वक्ता कहेगा, लेखक जो भी लिखेगा, उसको जो भी सुनेगा वो क्या होगा? श्रोता, मतलब कि मध्यम पुरुष। तो अब श्रोता के लिए, मतलब कि मध्यम पुरुष के लिए किन शब्दों का प्रयोग होगा देखते हैं हम एक वचन में। अगर हिंदी में हम देखें तो तू, तुम्हारा, तेरा, ये सब का प्रयोग होता है। वही छत्तीसगढ़ी में हम देखते हैं तो जो तू, तुम का होगा ते, तय, मतलब कि तुम वहां जाओ, तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? तय वहां जा। उसके बाद तोर मतलब कि तुम्हारा, फिर तो, तोला मतलब कि तुम्हें, तुझे। अब यहां भी देखेंगे ये जो तो है ये तय का विकारी रूप है, और इसी तो से तोला बना हुआ है। पहला हमने देखा ये जो मैं शब्द था इसका विकारी शब्द क्या है? मो, जिससे मोला बना है। ठीक उसी प्रकार से तय का विकारी शब्द है तो, जिससे तोला बना है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम मध्यम पुरुष के लिए बहुवचन देखें, मतलब कि बहुवचन में प्रयोग देखें, तो उसके लिए होगा तुम, तुमन, तुहर, छत्तीसगढ़ी में। अगर हिंदी में होगा तो क्या होगा? तुम्हारा प्रयोग करेंगे बहुवचन में, अगर सुनने वाले बहुत लोग हैं तो। और अगर अकेला है तो एक वचन वाली ये ते, तय, तोर, तो, तोला, ये प्रयोग होगा। अगर श्रोता बहुत सारे हैं, बहुवचन में है, तो क्या होगा? तुम, तुमन, तुहर, याद रखेंगे। उसके बाद अगला हम देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसको कि तृतीय पुरुष भी कहा जाता है, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही हो, मतलब कि वक्ता जो भी कह रहा है, लेखक जो भी
लिख रहा है, वो किसी ना किसी व्यक्ति के विषय में लिख रहा होगा, और जो भी वक्ता बोलेगा जिस भी व्यक्ति के बारे में, उसको कौन सुनेगा? श्रोता। और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष अथवा तृतीय पुरुष। तो इसके लिए देखते हैं कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। एक वचन में देखें तो ओ, वो, ओहर, ओकर, मतलब कि किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां जा रहा था, वो ऐसा कर रहा था, उसने ये कहा, ये सब प्रयोग किया जाता है ना। तो ओ, वो, और ओहर मतलब, ओहर, ओकर मतलब कि उसका, उसने। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है तो वो क्या होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। तो ओमन, वे लोग ऐसा कह रहे थे, वे लोग वहां जा रहे थे, इस टाइप से प्रयोग होगा। तो ये है अन्य पुरुष के लिए। तो याद रखेंगे व्यक्तिवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जो वक्ता अथवा लेखक होगा वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ी में अपन, सियम, सवांगे। अगर हिंदी में अगर हम देखें तो आप, स्वयं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम देखते हैं, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा हिंदी में। अगर छत्तीसगढ़ी में देखें तो मैं सीएम ही चला जाऊंगा, ऐसा बोला जाएगा। तो मतलब कि जो वक्ता अथवा लेखक जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे अपन, सीएम, सवांगे। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि कोई निश्चित वस्तु हो, निश्चित व्यक्ति हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि इसका शब्द देख लेते हैं कि इस सर्वनाम में कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में है ए, ये, एहर, ए, येहर, ई। अगर हिंदी में देखें तो ये, यह, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण हम देख लेते हैं, ये एक मार्कर है, निश्चित है ये कि ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, बिल्कुल निश्चय है कि ये व्हाइट बोर्ड है, कोई मतलब दुविधा नहीं है। तो ऐसे वाक्यों के लिए जो है, शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ए, ये, एहर, येहर, ई। कोई भी मतलब निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि हो तो उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं होता हो तो उसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहां शब्द देख लेते हैं हम, कोनो, कौन, कोई, कछु, कुछ। अगर हिंदी में हम देखें तो कौन, क्या, कहां, मतलब कि अनिश्चित है क्या नहीं पता नहीं है, अनिश्चित है, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई आया है, अनिश्चित है कौन आया है, पता नहीं है, कोई आया है। कछु मतलब कि कुछ, कुछ दे दो, मतलब क्या चाहिए पता नहीं, कुछ भी दे दो, कुछ चाहिए, कुछ ढूंढ रहा हूं, इस टाइप से। उसके बाद अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता हो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब कि किसी भी घटना, वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध होता हो जिन शब्दों से, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि कौन, क्या, कहां, जिस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में था ठीक उसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है फर्क होगा। इसमें जो है बिल्कुल अनिश्चित होगा, लेकिन इसमें प्रश्न करता हुआ होगा। शब्द हम देखते हैं, को, कौन, 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 का, काबर, पुनः, कतका, किया। तो ये सब शब्द प्रयोग होगा। हिंदी में अगर हम देखें तो कौन, क्या, कितना, कहां, क्या, ये सब प्रयोग होता है ठीक उसी प्रकार से। उसके बाद हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता हो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि दो शब्दों के बीच संबंध को प्रकट करता हो, संबंध का बोध प्रकट करता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हिंदी में अगर हम देखें तो शब्द क्या होगा? जो, सो, जैसे। वही छत्तीसगढ़ी में जे, जेहर, जोन, जौन, जेकर, ते, तेहर, तौन, इन शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हम उदाहरण देखें तो जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो शब्दों के बीच संबंध बता रहा है। तो ये था छत्तीसगढ़ी सर्वनाम।